ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो ये मैंने आपको कई बार बोला है कि बहुत आसान होता है रोटेशन को पढ़ना, क्योंकि बहुत क्लियरली ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई है किसमें प्योर रोटेशन है किसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है। तो ये कई बार बात निकल के आई कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन है कि जो आपका गाड़ी का टायर चल भी रहा और घूम भी रहा है। ठीक है, तो गाड़ी के टायर में बेसिकली हो क्या रहा है कि उसके सेंटर की वेलोसिटी है वी, और सेंटर से रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, उसके सेंटर के रिस्पेक्ट में उसका प्योर रोटेशन भी है। तो मान लो वी है और इस तरह से ओमेगा है, तो ये मोशन है बेटा कि सेंटर के रिस्पेक्ट में तो हर पार्टिकल की सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और सेंटर की खुद की वेलोसिटी है। ठीक है, तो जैसे ये चार पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ, अब ध्यान से समझिए। अब आपको सर्कुलर भी पता है, ट्रांसलेशन भी पता है, तो आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसकी वेलोसिटी वी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और आपके ये पॉइंट इस तरह से हैं यहाँ पर, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालनी है आपको, इसका जो बॉटम मोस्ट की पॉइंट है, अब देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्लियर नहीं है हमें, बट सेंटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा क्लियर है। सेंटर को ओ बोल रहा हूँ, ठीक है, सेंटर के रेस्पेक्ट में सारी मोशन क्लियर है, क्योंकि कुछ नहीं है, सर्कुलर मोशन है बेटा, जो आपको पूरी अच्छी तरह आती है। इस बात को समझने की कोशिश करिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि इसमें भी कुछ नया नहीं है, आपको सब कुछ आता है। तो ये आपको थोड़ी देर में अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि इसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन के एनालिसिस में कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको दो चीजें अलग अलग बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ, प्योर रोटेशन और आपको ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते ही आए हैं वो तो अपन। तो इस वजह से आपको इसमें कोई नया नहीं लगना चाहिए कि जब आप इस सेंटर के रिस्पेक्ट में बैठेंगे तो हर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है इसके रिस्पेक्ट में, और ये खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वी से चल रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या किस डायरेक्शन में होगा, किस मैग्नीट्यूड का होगा, वो आपको निकालना है। ए का भी यही है, सारे पॉइंट्स की आपको नेट वेलोसिटी लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सारे पॉइंट की आपको नेट वेलोसिटी लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कैसे लिखेंगे आप सारे पॉइंट की नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो क्या आपको ओ के रिस्पेक्ट में सबकी वेलोसिटी क्लियर है क्या? हाँ आयुष सही कह रहे हैं, बिल्कुल ही, बहुत जल्दी समझ गए आप ये चीज। बट लेकिन आपको एक बार फिर से देखिए कि आपको सारे पॉइंट्स की लिखनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, बट सबकी क्लियर है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए बी सी डी की वेलोसिटी क्लियर ना हो। ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। ओ पॉइंट पर बैठ जाओगे तो ओ पॉइंट की मोशन थोड़ी दिखेगी ओ पॉइंट पर बैठ के, तो सारे पार्टिकल ओमेगा से सर्कल में घूम रहे हैं। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ओ तो ऐसे ही दिखेंगे ना बेटा, इसमें डाउट तो नहीं है? देख लो एक बार अच्छी तरह, कहीं भूल गए सर्कुलर मोशन, ये भी ध्यान नहीं आ रहा सेंस ऑफ रोटेशन से भी, इसके कितनी है ओमेगा इंटू आर, कैपिटल आर कर लो, इसकी कितनी है ओमेगा इंटू कैपिटल आर, इसमें तो डर नहीं लगता किसी को कि इसमें भी दिक्कत है ओमेगा इंटू आर। बताइए आप लक्ष्य, आप बताइए क्लियर है? ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसी वेलोसिटी है बेटा सबकी, हाँ ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस तरह की वेलोसिटी है ओमेगा आर, ओमेगा आर। अब कुछ नहीं करना है बेटा, इसके सेंटर की ओ की वेलोसिटी ऐड कर दो, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी ऑफ बी, मैंने बोला था आपको जब रिलेटिव पढ़ाना शुरू किया था। हाँ वही, ये उल्टा ऐसे बनता है कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, सही बात, स्वास्तिक बन गया बिल्कुल। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? बी विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस ओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही लिखा है क्या मैंने? हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिलेटिव में बताया था मैंने, और तब इसका मेन यूज भी बताया था कि कई बार हमें चलती हुई चीजों से देखना ज्यादा आसान होगा। अब सारे मोशन का एनालिसिस ओ पॉइंट पर बैठ के करना आसान है, तो ये आपको हमेशा क्लियर है। ठीक है, तो आपको ये ग्राउंड पे निकालने के लिए बस इस ओ का वेलोसिटी वेक्टर ऐड ही तो करना है बेटा। बताइए ये चीज समझ में आ रही है? तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो क्या मैं अब नेट वेलोसिटी सारे पॉइंट की यहाँ पर बना दूं तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी? एक बार देखिए, क्या मैं सारे पॉइंट जो मैंने लोकेट किए इन सब की नेट वेलोसिटी बना दूं क्या मैं?
इस पॉइंट की किस डायरेक्शन में होती है। मान लेते हैं कि अज्यूम कुछ भी ज्यादा हो सकता है, तो अभी अपन ने मान लिया अज्यूम वी इज ग्रेटर देन ओमेगा, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगी क्या, कितनी, वी माइनस ओमेगा। बोलो बेटा, ये बी पॉइंट की नेट वेलोसिटी है, वी माइनस ओमेगा आर। कैसे, ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितनी है, माइनस ओमेगा आर। ओ पॉइंट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, मैं लिखता जाता हूँ, चलो फिर भी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया मैंने भी, तो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी विद रिस्पेक्ट टू ओ कितना है, माइनस ओमेगा आर प्लस ओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी ले रहे हैं अपन, तो कितना आएगा, वी माइनस ओमेगा आर। बोलो बेटा, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, बहुत जरूरी चीजें सबको आनी चाहिए। अब सी पॉइंट की लिखनी है, सी पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होगी बताना एक बार, सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, बताओ जल्दी से। हाँ, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम हो जाएगा। ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी इसकी, ये जो आपका सी पॉइंट है ये यहाँ पर है ना सी पॉइंट, तो ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ये रही ओमेगा आर प्लस ओ पॉइंट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर, वी। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया बेटा, वेक्टर जोड़ने में अभी तो गलती नहीं करते हो आप। निखिल बताइए, आ रही क्या बात समझ में आपको, निखिल, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, उससे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्लियर है आपको। हाँ, तो ये ध्यान रखिए बेटा, सारी जो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन की इस तरह की टायर की मोशन है, सारी मोशन की एनालिसिस मैं ओ पॉइंट पर ही करूंगा, फिर कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई पूछता है तो मैं सिंपल उस पर इसकी वेलोसिटी ऐड करके बता दूंगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी बताइए जल्दी से, तो हाँ, कोई ऐसा जो डी पॉइंट की नहीं बता सकता हो, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है बेटा, देखो सी पर यहाँ बैठ के बहुत क्लियरली दिख रहा है, ओ पॉइंट पर बैठ के किधर जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा इंटू आर, बट ये ओ पॉइंट से दिख रहा है, ग्राउंड से ऐसा नहीं दिखेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है तो इसकी ऐड करनी पड़ेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, क्योंकि मैंने ये बहुत ही, मैं ऐसे बार बार बनाऊंगा बेटा इस तरह का डायग्राम, बिल्कुल क्लियर फीलिंग ले लीजिए इसकी, मैं बोलूंगा सेंटर पे ये वी इधर है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो बस ये देखते ही सब समझ में आ जाना चाहिए आपको कौन से पॉइंट की वेलोसिटी किधर है। आप कोई पूछे सी पॉइंट की नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जिधर आएगा उधर है वी सी वेक्टर। बोलो, इस तरह के डाउट तो नहीं बचे आपकी लाइफ में कि बच रहे हैं अभी भी। ओके, तो डी की हो गई आपके पास, ए की वेलोसिटी किधर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर। गुड तानी, आपके नंबर बेटा बहुत अच्छे लाए हैं आप सब लोग इस बार, इस बार वही नंबर आए जितने जेई मेन में आएंगे इस रियल में, थोड़ा सा 4-5 बच्चों ने 100 मारे हैं पूरे, तो यही थोड़ा सा बढ़ के और एक्सटेंड होके 10 बच्चे हो जाते हैं, तो इस बार 10 की बजाय 20 कर दें आप तो बहुत ही बड़ा हो जाएंगे, ठीक है ना, 4-5 बच्चे तो लिए आए हैं पूरे नंबर, तो ये आपके इसमें कितना आ जाएगा, और इसी लेवल का आता है पेपर एकदम जेई मेन का बता रहा हूँ, उन्होंने बिल्कुल ऊपर नहीं किया था आपको, एग्जैक्टली वही जितना आपको उसमें लेवल दिखेगा जेई मेन में एकदम वही था, तो ये आपका कितना है, वी है, और बस ये था, अभी टॉपिक एक है, वहां पर पूरा कोर्स होगा, तो पूरा कोर्स उतने ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जितना आपने मोमेंटम पढ़ा है, इतने ध्यान से ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना, यही डिफरेंस था बस, कि उसमें आपको पूरा कोर्स दिमाग में रखना है, इसमें सिर्फ एक चैप्टर था, इसका भी एक एडवांटेज था थोड़ा सा, बट पूरा आपने सारा कोर्स 2 साल का इस तरह पढ़ लिया तो फिर नंबर पूरे ही आने हैं आपके। ये वी है आपका, ये ओमेगा आर है, ठीक है, तो ओ के रिस्पेक्ट में ओमेगा आर, ये वी है, तो वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, अंडर रूट। हाँ भाविक, गुड बेटा, वो इसलिए है कि आप बार बार उनको देखते रहें तो आपको बार बार वो चीजें दिमाग पे स्ट्राइक करती रहती है, ये वीडियो बनाने का पर्पज है बस, तो वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके इस तरह से सर्कल में घूमता हुआ कोई डिस्क है, रॉड है, रॉड ऐसे घूमती हुई जा रही है, तो उसमें भी वैसा ही बेटा, आप उसके रॉड के सेंटर पे बैठ जाइए, आपको अपने आप सब वे और रोटेशन होता हुआ दिखेगा, और बाकी आप उसकी वेलोसिटी ऐड करते जाएंगे सेंटर की, तो सारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिलती जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से जवाब देंगे, अब मैं एक्सलरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशली देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग अब तक सर्कल में घूमती हुई चीजों के एक्सलरेशन में दिक्कत करते हैं, क्योंकि इतना मैंने कभी कोई टॉपिक नहीं बोलता हूँ जितना मैं इस एक्सलरेशन के बारे में बोलता हूँ, सर्कुलर मोशन में जो एक्सलरेशन के कंपोनेंट्स होते हैं,
जब से मैं डिराइव करता हूँ, पता नहीं कितनी बार नाम उसका ले लिया होगा आपके सामने। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे सर एक ही बात करते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो वो एक ही बात भी मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों ने ध्यान रख रखी है और कितने लोग यही सिचुएशन है अभी। देखो कोई डिफरेंस नहीं, वही डिस्क है, बस अभी मैंने आपको एक्सलरेशन नहीं बताया था इसका, तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसका एक्सलरेशन भी है बेटा। कैसे जा रही है ये ग्राउंड पर? ऐसा नहीं कि ग्राउंड नहीं, ग्राउंड है बट दिखाते नहीं इसको ज्यादा। इसका एक्सलरेशन ए है और इसका एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा है, इस तरह का। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसको कर देंगे अभी।